अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शहजाद शकील। आपको अपने चैनल पे वेलकम बैक करता हूँ दोस्तों। उम्मीद है आपने दूसरी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, जहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है 9th 11th 12th के लिहाज से। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। आज हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ आए हैं दोस्तों। दोस्तों आजकल जो मशहूर है, जो एक मसला पड़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 50 रुपये हों तो जब खर्च कर किया गया 50 रुपये, उसके बाद उन्होंने खर्च को जमा किया तो आपके पास टोटल 50 रुपये बने, लेकिन जब बजट जो बच रहे थे बाद में उनको जमा किया तो 51 रुपये बचे। ये एक मसला बना हुआ है कि इनमें 1 रुपया कहाँ से आ गया है। तो आज हम इसको हल करेंगे, इसका मसला सॉल्व करेंगे कि आपको बताएंगे कैसे ये 1 रुपया ज़्यादा बन गया है या किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं कि करना क्या होता है। आपने ये टेबल देखा भी होगा, खर्च यहाँ पर होते हैं बचत, ठीक है। खर्च मीन्स स्पेंड इंग्लिश में, और बचत को कहते हैं बैलेंस। वो कहते हैं मैंने 20 रुपये खर्च किए 50 में से, तो बाकी बचे 30। फिर मैंने 15 रुपये खर्च किए तो बाकी कितने बचे 15। इसी तरह वो कहते हैं 15 में से मैंने 9 रुपये खर्च किए तो बाकी बच गए 6 रुपये, और जब 6 रुपये खर्च किए तो बाकी 0 बचा। अब वो कहते हैं अगर इनको मैं टोटल करूं, टोटल कितने बनते हैं, 20 जमा 15 35, 35 जमा 9 कितने होते हैं आपके पास 44, 44 और 44 जमा 6 बनते हैं 50। टोटल बन रहे हैं आपके पास 50 रुपये। अगर इनको जमा करें हम तो इनका टोटल बनता है आपके पास 30 जमा 15, 45, 45 जमा 6 51। अब मसला ये है कि ये 51 रुपये बन रहे हैं और ये है 50 रुपये, तो इनमें से हमारे पास टोटल रकम कितनी थी, आपके पास 50 रुपये। ये बचत में से 51 बन रहे हैं, ये है 50 रुपये बन रहे हैं, तो ये 1 रुपये कहाँ से आ गया है, ये आपने इस वीडियो के जवाब में देखना था आपने। तो दोस्तों इसका जवाब हम देंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो आपने देख इसका जवाब है अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जवाब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इंशाल्लाह ये वीडियो शाम तक अपलोड कर दी जाएगी, तो देखते रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आंसर मिल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।